आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। हमारे गांव में जी दिक्कत ही है जी, मशीनों ने 50 फुट खुदाई कर रखी जी, होनी चाहिए 10 फुट। और जब जी गांव में पानी पड़ेगा तो जिम्मेवार कौन होगा जी? ठीक है जी, हमारे बच्चे नहीं फिर जी, हमारे आदमी नहीं फिर, ना रोजगार नहीं मिलता जी। बाहर कह रहे जी, वहाँ सारे बाहर की बढ़ रहे उसमें सारे मशीनों में। इस हमारे तो यही कहना जी, मशीन बंद करो और हमारे आदमी ना काम दो, हमारे बच्चों ना वहाँ काम दो। पानी आने का डर है जी गोमा जी? ना जी, हम बह जाएंगे जी गोमा, पानी बढ़ जाएगा जी, हमारे गोमा फसल है जो वो खराब, क्या खाएंगे जी? वो पैसे लेगा जी, पैसे ले ले बीच में और क्या जी, कुछ नहीं करते कोई भी। यही है जी, गाँव के नजदीक आएगी जी खुद ही वो खुदाई होती जी। ठीक है जी, इससे गोमा पानी बढ़ सका जी, फसलों का नाश हो सका जी, ठोकरा सब टूट रही जी, कुछ कर दिया जी, सब पैसे लेकर पिछड़ जा। रोज चल रही जी, लगातार दिन रात चल रही जी, 24 घंटे, एक मिनट भी बंद नहीं होती है। हम तो यही मांग लेकर आए जी, ये मशीन बंद करो। गांव में जी मशीन लग रही जी लगातार, 50 फुट खुद रही जी, वो 10 फुट खुदनी चाहिए। गाँव में दिक्कत है जी, पानी बढ़ जाएगा और पुलिस वाले तो पैसे ले लेकर चले जावा जी, बा के चले जाएंगे, ठोकरा पा जाएंगे। ये ठोकरा भी टूट गई है जी, तो पीछे ठोकरा लगाई थी, हाँ अब तो टूट रही है जी। हाँ जी, हम हाँ जी, रात दिन में मशीन बंद होनी चाहिए जी। कि वहाँ पोक लाइन चल रही है, एनजीटी की रोक लगाने के बाद भी पोक लाइन अभी चल रही है, मजदूरों को काम मिलता नहीं, मशीनों से काम हो रहा, जिससे मशीनें जो हैं वो 40-40 फुट गहरे खड्डे ये इतना वो मशीनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और गाँव के अस्तित्व को इसमें बड़ा भारी खतरा है। प्रबंध जो हमारी सरकार ने लगवाए थे करोड़ों रुपए खर्च करके, उन तटबंधों को भी उन्होंने मशीनों ने उखाड़ दिया है, जिससे बरसात आने पर जो यमुना नदी के अंदर पानी आएगा भारी मात्रा में, उससे गांव के अस्तित्व को बड़ा भारी खतरा है।